रोहतक पीजीआई में मरीजों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कारण 450 डॉक्टर्स को हड़ताल पर चले जाना के। पीजीआई में करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। फोरडा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़ताल की गई है। डॉक्टर फिलहाल ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे, ना कि वार्ड में सेवाएं देंगे। इसके अलावा सभी तरह की इलेक्टिव सर्विस भी नहीं दी जाएगी। ओपीडी और अन्य जगहों पर मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी इन्हीं डॉक्टर्स की होती है। तो इसे आप अंदाजा लगाइए कि मरीज कितने परेशान होंगे, उनके तीमारदार कितने परेशान होंगे। हमने ओपीडी सर्विसेज, वार्ड सर्विसेज और इलेक्टिव ओटी में हड़ताल की है और सभी रेजिडेंट्स जो इन जगह पोस्टेड थे वो काम पर नहीं है। ये हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर्स की नहीं है, ये हड़ताल एक आम जनता की होनी चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेंथ कम हुई है, जो चीज़ जिस रूटीन टाइम पे होनी चाहिए थी उसकी वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज को अफेक्ट हो रही है, तो नुकसान आम जनता को हो रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स ना एडमिशन होने का। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है पीजीआई, लेकिन यहाँ क्या है कि जो अप्लाई हैं जो यहाँ वो ज़्यादा परेशान करते हैं हमें भी, तो उनके लिए हमारे यही डिमांड है सरकार से कि भाई उनके लिए अलग से कोई वो किया जाए डॉक्टर, हर चीज़ जो भी हमारे जो पूरा हरियाणा जो परेशान होता है वो परेशान न हो किया जाए, आम जनता को जो सुविधा हो देनी चाहिए। दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। दिनेश, कब से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या इनकी मांगे हैं और कितनी जनता परेशान है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर पीजीआई के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जो इमरजेंसी ड्यूटी है उसमें ये लोग काम करेंगे, और डॉक्टरों की मांग है कि वो एडमिशन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कोटा निर्धारित किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस कारण पीजी के पहले बैच की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ऑल इंडिया लेवल पर रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन डॉक्टरों ने किया है कि वो पीजीआई में जो इमरजेंसी सीधी तरह से बंद नहीं हो हड़ताल घूमते थे। दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी। तो रोहतक पीजीआई की तस्वीरें आपने देखी, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए अपनी मांगों को लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।